नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। जैसा कि बहुचर्चित परीक्षा UPPCL JEE 2022 का एग्जाम सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न हुआ, तो हम प्रतिभागियों से जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, क्योंकि UPPCL का जब भी पेपर होता है तो कुछ न कुछ नया सरप्राइज करता है, तो हम प्रतिभागियों से जानेंगे कि इस बार क्या सरप्राइज किया है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जीशान अली है। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? मैंने 148 अटेम्प्ट किए थे। इस बार का जो UPPCL JEE का पेपर रहा वो कैसा रहा, क्योंकि जब भी देखा जाता है कि UPPCL JEE का पेपर होता है तो कुछ ना कुछ नया जरूर पूछता है। देखो, अच्छा रहा है पेपर, तो इसमें कैलकुलस भी जोड़ा है। कैलकुलस जोड़ा जी, इस बार नया देखने को मिला है कैलकुलस। करीब हैं 10 क्वेश्चन के आसपास। जो पुराने पैटर्न हुआ करता था, जैसे मशीन पावर सिस्टम या स्विच गियर प्रोटेक्शन से क्वेश्चन आते थे, उसका क्या वेटेज रहा? इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो तुम अक्सर पढ़ते हो ना, उसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन था, जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, करेंट अफेयर्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो उसका पेपर कैसा? वो तो सेम सा रहता है, रीजनिंग और हिंदी जो हर बार एक सा पूछता है, थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है, रहता वही है। रीजनिंग का ऐसा तो पेपर नहीं था जो बहुत टाइम टेकिंग था या परेशान करने वाले क्वेश्चन? नहीं, कोई खास परेशान करने वाले क्वेश्चन नहीं है रीजनिंग में और हिंदी में, और ना ही सामान्य ज्ञान में। टेक्निकल में नया जोड़ दिया है कैलकुलस, इसलिए थोड़ा सा। PLC स्काडा बड़ा फेमस रहा है UPPCL JEE के लिए, इस बार देखने को मिला? PLC स्काडा में है, देखने को मिला है, पर बहुत टफ कर दिया उसे। अच्छा, कितने क्वेश्चन लगभग होंगे PLC स्काडा? हैं करीब 5-6 क्वेश्चन है। और पावर प्लांट से क्वेश्चन देखने को मिला? पावर प्लांट से है, पर क्वेश्चन है इसमें पावर प्लांट से 1-2 क्वेश्चन। ऐसा कोई सेक्शन जिससे लगा हो कि नहीं भर के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे 40-50 की मात्रा में, क्योंकि पहले ऐसा ही होता? नहीं, भर के क्वेश्चन किसी में से भी नहीं पूछे गए हैं। करीब 10 तक लेवल गया है कैलकुलस में से, और उसके बाद लगभग सेम सारा है, 2-2 क्वेश्चन, 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए। आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाली है? कैसे, जैसे आपने अभी पेपर दिया है तो उसके हिसाब से आपका क्या अनुमान है कट ऑफ जा सकता है? टॉप तो मुश्किल जाएगा, करीब 120 से नीचे ही रहेगा। मतलब पेपर का लेवल टफ था? बहुत टफ था। जो भी प्रतिभागी अगले प्रतिभाग में, ऐसा था कि जो पुरानी चीज़ें हैं जो हमने पहले कभी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, वो अचानक आ जाएं तो दिक्कत तो होती है, दिमाग में एक सब घूमता है कि ये कहाँ से आ गया, फिर पुरानी सोच नई सोच, और टेक्निकल में एक साथ जाना टफ रहता है ना। जो भी प्रतिभागी अगले शिफ्ट में प्रतिभाग करने वाले हैं या जो JEE एस्पिरेंट हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से तैयारी करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें? देखिए, सफलता तो तभी मिलती है जब रेगुलर पढ़ें। जो शुरू से सिलेबस जुड़ा हुआ है फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट तक, और जो तुमने NCERT की बुक पढ़ी है उन्हें भी पढ़ना चाहिए। ऐसा है, जब भी होता है कुछ, माइंड जब भी खुल पाता है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, एग्जाम देते हैं। जी, आपका